नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों आज हम कुछ हट करके टैपेट सेटिंग आप लोगों को बताएंगे, ताकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा टैपेट सेटिंग कैसे करना रहता है। तो कुछ हम आप लोगों को इजी वे में जो आप जानते हो मैं उसी को बताना चाहता हूँ, ताकि आप साइट पर कभी फंसो मत। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है आप लोगों के साथ कि मैं कुछ भी बताता हूँ तो कि प्रैक्टिकल प्रॉपर वे में बताऊँ, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और साथ में ये हो कि आप कहीं भी काम करो तो इजी वे में आप वहाँ से साइड से 100% अपना काम करके निकल जाओ। तो मैं वैसे ही कुछ ट्रिक आपको देते रहता हूँ। तो जैसे मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अपना इंजन का, मैंने एक 6 सिलेंडर का इंजन का बना दिया। आप इसको 2 सिलेंडर भी मान सकते हो, 1 सिलेंडर भी मान सकते हो, आपका जो दिखे, ठीक है, कि आपको कौन सा। ये मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इस ट्रिक में आप कितना भी सिलेंडर का इंजन इजी वे में आप काम कर सकते हो। मैंने एक जैसे पहले बताता था आप लोगों को डैम्पर पुली बताया बनाया यहाँ पे, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा, ठीक है। ये तो TDC मार्किंग मैंने इसे दिखा रखा है आपको कि यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन इसको मैंने नहीं करके मैं आपको बता रहा हूँ इजी वे में कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, एक सिलेंडर हेड में 2 वाल होंगे, नहीं तो 4 वाल होंगे। जैसे एक सिलेंडर में तो जिसमें क्रॉस ओवर हेड लगा रखता है, तो BS6 वगैरह में तो अभी 4 वाल के आ गए हैं, 2 इंटेक और 2 एग्जॉस्ट के। ऐसे पहले के जो इंजन है उसमें 2-2 हैं, अभी भी कुछ इंजन में 2-2 ही रहते हैं। तो यानी इंटेक वाल और एग्जॉस्ट वाल, इतना समझ लो आप, ठीक है। तो इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व में हम करेंगे क्या कि जैसे ये इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व में, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक चीज बता दे रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि आपको और इजी में समझ आए। फर्स्ट चीज है कि सक्शन स्ट्रोक जो होता है तो उसमें अपनी बहाल की पोजिशन क्या रहती है। यानी सक्शन स्ट्रोक में जब कंबसन के अंदर यहाँ पे जब एयर आता है, इसके अंदर घुसता है, तो ये अपना इंटेक भाल दबा हुआ रहता है, इंटेक भाल दबा हुआ है, और जैसे ही थोड़ा सा ये अपना सक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इंटेक भाल जो है क्लोज हो जाती है, ठीक है, ये तो समझ गए। और जब तक वो कोई दूसरा वाल या इंटेक वाल ओपन नहीं होता, जब तक कंप्रेसर और पावर 2 स्ट्रोक कंप्लीट नहीं हो जाते, यानी इंजन आपका 1 राउंड नहीं घूम जाता, ठीक है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको अगर टैपेट मिलाने में ज्यादा असुविधा हो रही हो तो इंटेक वाल दबकर उठ जाए, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा पुली को आप क्लॉकवाइज हल्का सा घुमा दे और उसके बाद में इन दोनों का टैपेट सेटिंग कर दे, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा घुमाए, जैसे दूसरे वाले सिलेंडर का, जैसे इसका हो जाएगा, उसके बाद में दूसरे सिलेंडर का फिर इंटेक भाग दबकर कब उठ जाए तो फिर उसका टैपेट सेटिंग कर दे, सबसे आसान तरीका है। फिर सेम वही इंटेक भाग दबा और जैसे ही दबकर कब उठ गया तो फिर इंटेक भाग और एग्जॉस्ट भाग दोनों का सेटिंग कर दे। ऐसे करके आप 6 सिलेंडर का भी आप कर सकते हो इजी वे में, और मैंने आपको एग्जॉस्ट वाल्व वाली फंक्शन भी बता रखी है। अगर हमारे साइट पे आप नए हो तो कम से कम हमने 10 तरीके से टैपेट सेटिंग का मैंने वीडियो डाल रखा है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, अभी आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं, और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल, अभी हमारे पास HA-294 2 सिलेंडर का इंजिन है, हम उसमें अभी आपको करके दिखाते हैं। 2 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, कभी कंफ्यूज नहीं है, ये तरीका आपका घर में यूज करेगा, ठीक है। ये एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जब एक भाग कोई भी दबा रहता है तो दूसरा भाग फ्री रहता है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा, टाइम टेकन ज्यादा लगेगा, लेकिन आप इस प्रोसेस से इजी वे में आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल, जैसे ये अपने दोस्तों HA-294 है, और जैसे इनलेट बाल भी ये दब रहा है, ठीक है, इनलेट बाल दब के जब उठ जाए तो इसका 1 नंबर का आप टैपेट सेटिंग कर लो, सबसे आसान तरीका। जैसे उठ गया, ठीक है, अब इसका देखो दोनों ये टॉप में ये वाले का 1 नंबर आ गया ना, तो अपना 1 नंबर का टैपेट सेटिंग कर लो,
ठीक है, मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये 15-15 से और फिर इंजन को घुमाइए, और जब 2 नंबर का इनलेट वाल्व दब के उठ जाए तो उसका कर लो, क्योंकि किसी भी निशान का जरूरत नहीं है इसमें, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी एग्जॉस्ट वाल्व दबा, एग्जॉस्ट वाल्व दबने के बाद फिर जब इनटेक वाल्व दबेगा, हाँ देखो दब गया इनटेक वाल्व, अभी इनटेक वाल्व दब के उठ गया, पूरा उठाओ, हाँ बस ये, हाँ अच्छा, भी एग्जॉस्ट वाल्व भी अपना ये दब गया पूरा, ठीक है, हाँ ये देखो आ गया, ये ऐसे करके आप इजी वे में टेपेट सेटिंग कर सकते हो। नीचे 294 का कोई भी दागी देखने का जरूरत नहीं है, कोई भी निशान ना हो, आप आराम से किसी भी इंजन का टेपेट सेटिंग इस टाइप से कर सकते हो। मान लो 6 सिलेंडर का भी है तो इनलेट बार दब जाए, तो क्योंकि इनलेट का दबने का मतलब होता है सक्शन कम्प्लीट हो गया, कंप्रेसर में वो आ गया, उस पोजिशन में आपका जो होता है दोनों वाल्व फ्री रहते हैं। तो अभी देखना, अब ये डीजी स्टार्ट होगा, आपको ये इजी प्रोसेस से टैपेट सेटिंग बताया। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और मैं ऐसे टेक्निकल वीडियो रेगुलर लाते रहता हूं। आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इससे मैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो भी ये रहते हैं मैं उसको लेकर के आते रहता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग हम लोग एक साथ जुड़ सके। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसमें आप जुड़ेंगे तो उसके जरिए हम लोग आप लोगों को, जैसे मैं तो कुछ कम ही दे पाता हूँ हेल्प, लेकिन हमारे साथ जो टेक्निकल गाइज हैं वो कुछ ना कुछ अपना फीडबैक देते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।